मैं हूँ फ़ायज़ा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फ़ायज़ा स्पोर्ट्स कोर्स। आज मैं मौजूद हूँ ऑटो जेम्स पेरिया टाउन फेस 4 में, जहाँ पर मैं आपको इंतहाई खूबसूरत गाड़ियों का रिव्यू करवाऊँगी और इन गाड़ियों से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जीप्स वगैरह, लैंड क्रूजर, प्राडो वगैरह गाड़ियाँ लेकर आएँ, तो मेरी कोशिश इस वीक में यही रही है कि मैं यही गाड़ियाँ आपके लिए लेकर आऊँ। इन खूबसूरत गाड़ियों की कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें इसका मेक, मॉडल, वेरिएंट और गाड़ी किस प्राइस में आपको मिल रही है, ये तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, टोकन पेड हैं कि नहीं, ये तमाम डिटेल भी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जिसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं व्यूअर्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और कॉमेंट्स में अपना मुझे पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दिया करें। इससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी, चलते हैं अपनी खूबसूरत सी गाड़ी की तरफ। आज की वीडियो में जो एक खूबसूरत सी गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वह है टोयोटा लैंड क्रूजर AX 2013 का ये मॉडल है और 2017 की इम्पोर्ट है। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड ये गाड़ी है। अभी उस बात कीजिए अगर गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की, तो इसकी फ्रंट में मैं आपको इसकी बोनेट की, बम्पर की, लाइट्स की और फ्रंट ग्रिल की कंडीशन दिखा देती हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही है। ओवरऑल इसके नीचे की लाइट्स की और ग्रिल वायर की कंडीशन भी आपके सामने है। गाड़ी में आप देख सकते हैं कि फ्रंट में ओवरऑल जो इसमें क्रोम वगैरह इंस्टॉल्ड है, वो भी आपको अपनी कंडीशन में मिल रहा है। और फ्रंट की इसके पेंट की कंडीशन भी आप देख लें। इसी के साथ ही आपको बताती चलूँ कि गाड़ी अपने जेन्युइन कंडीशन और जेन्युइन कलर में आपको मिल रही है। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल दिखाने के बाद मैं आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ लेकर चलती हूँ। गाड़ी के फेंडर की कंडीशन आप देख रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल स्क्रैचेस मिल रहा है। बात करें अगर गाड़ी के टायर्स की, तो टायर्स आपको 80-90% मिल रहे हैं, जिसमें आपको अलॉय रिम भी इंस्टॉल मिलेंगे। टायर्स के बाद हम चलते हैं गाड़ी के लेफ्ट साइड डोर की तरफ। इस पैसेंजर डोर की अगर मैं बात करूँ, तो ओवरऑल कंडीशन आपके सामने है। जो क्रोम वगैरह इंस्टॉल्ड है इसमें और जो इसके क्रोम के हैंडल हैं, उनकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। और साइड व्यू मिरर की कंडीशन भी आपके सामने है। ओवरऑल इसके डोर की कंडीशन दिखाने के बाद हम आपको गाड़ी के फुट स्टेप की कंडीशन दिखा देते हैं और इसके बैक डोर की कंडीशन भी आपके सामने है। जी वैसे तो गाड़ी के लेफ्ट साइड की डोर की कंडीशन में हमने आपको दिखा दी है। इसके साथ हम आपको गाड़ी के बैक कैबिन की कंडीशन दिखा देते हैं। तो ओवरऑल लेफ्ट पूरी साइड की तरह गाड़ी का बैक कैबिन भी आपको साफ़ सुथरी कंडीशन में मिल रहा है। और गाड़ी के ऊपर आपको छत पर रूफ रेल भी इंस्टॉल मिलेगा। ओवरऑल छत की कंडीशन भी आप देख लें, जो कि आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। जी भी और सब अगर बात की जाए गाड़ी के बैक की, तो देख सकते हैं आप इसमें आपको स्पॉइलर भी इंस्टॉल मिलेगा। और ओवरऑल इसके वाइपर की कंडीशन भी आपके सामने है। गाड़ी के बैजेस और एम्बलम की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको एज इट इज़ मिल रही है। और इसी के साथ इसके क्रोम वगैरह जो इंस्टॉल्ड हैं, उसकी शाइनिंग भी आपके सामने है। ओवरऑल बैक की कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें आप इसकी लाइट्स की कंडीशन भी देख लें। गाड़ी की बैक साइड प्रोफाइल दिखाने के बाद हम आपको गाड़ी की राइट साइड प्रोफाइल की तरफ लेकर चलेंगे। तो अगर बात कीजिए गाड़ी के राइट साइड प्रोफाइल की, तो राइट साइड में पहले हम आपको गाड़ी के बैक कैबिन की कंडीशन दिखा देते हैं, जो कि बिल्कुल स्क्रैचलेस मिल रहा है आपको बाकी गाड़ी की तरह। और इसी तरीके से हम गाड़ी के दोनों डोर्स की कंडीशन भी आपको दिखा देते हैं। गाड़ी के दोनों डोर्स में जो आपको हैंडल्स वगैरह में क्रोम वगैरह इंस्टॉल्ड है, उसकी कंडीशन भी आप देख लें, जो कि आपको लेफ्ट साइड की तरह एज इट इज़ मिल रहे हैं, अपनी कंडीशन में मिल रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो बात कीजिए अगर इस खूबसूरत गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम गाड़ी का दरवाज़ा आपको दिखा देते हैं, जिसमें इसके साइड्स वगैरह की कंडीशन भी आप देख लें। और ओवरऑल डोर के अंदर से कंडीशन भी आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको फैब्रिक स्टॉल मिलेगा। और बाकी ओवरऑल दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि जो अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। इसी तरीके से अगर डोर पिलर्स की बात की जाए, तो गाड़ी के डोर पिलर्स आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहे हैं, जेन्युइन अपनी कंडीशन में मिल रहे हैं। गाड़ी के अंदर का फुट स्टेप भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसी के साथ गाड़ी के फ्लोर की कंडीशन भी आपको दिखा देते हैं। गाड़ी के इंटीरियर में बस बात की अगर गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स की ओवरऑल कंडीशन आप देख लें, जो कि आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही हैं। फैब्रिक सीट्स आपको इंस्टॉल मिलेंगी इसमें, जिनकी कंडीशन आपके सामने है। इसी तरीके से अगर बात कीजिए गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड में आप गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की कंडीशन भी देखें, और इसका जो स्टेरिंग है वो आपको मल्टीमीडिया मिलेगा। टेस्ला की ओरिजिनल जो LED है वो आपको इसमें इंस्टॉल मिलेगी, जिसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड की कंडीशन भी आपके सामने है। गाड़ी आपको फ्रंट से इंतहाई खूबसूरत कंडीशन में मिल रही है। फ्रंट के कैबिन में ही मैं आपको इसके फ्रंट की छत की कंडीशन भी दिखा देती हूँ, जिससे आप गाड़ी की कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाड़ी के बैक डोर की बात की जाए, तो गाड़ी का बैक डोर भी आपको इंतहाई अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, जिसमें आप इसके साइड्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो गाड़ी के डोर पिलर्स भी आपको इंतहाई अच्छी कंडीशन में मिल रहे हैं।
जी व्यूअर्स, तो बैक सीट्स की अगर बात की जाए, गाड़ी की बैक सीट्स आपको फ्रंट की तरह बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही हैं। कंप्लीट इसकी सीट्स दिखाने के बाद मैं आपको गाड़ी की नीचे के फ्लोर की कंडीशन भी दिखा देती हूँ, और बैक के इसके जो एयर वेंट इंस्टॉल्ड हैं उनकी कंडीशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो कि मैं आपको गाड़ी की छत की कंडीशन भी दिखा देती हूँ, गाड़ी के छत भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। जी व्यूअर्स, तो इंटीरियर में अगर बात की जाए इस गाड़ी की बैक कैबिन की, तो बैक कैबिन की ओवरऑल कंडीशन में मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें इसकी स्पेस वगैरह भी आप देख सकते हैं और बाकी ओवरऑल बाहर की कंडीशन भी देख सकते हैं। इसके बाहर के डोर की कंडीशन भी आपके सामने है, जो कि आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। इसी तरीके से गाड़ी की बैक कैबिन की सीट्स की अगर बात की जाए, बैक कैबिन की सीट्स की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जी व्यूअर्स, तो गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर मैंने आपको दिखा दिया। जी व्यूअर्स, तो गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर दिखाने के बाद गाड़ी के हम आपको इंजन रूम की तरफ लेकर चलते हैं। ओवरऑल गाड़ी के इंजन रूम की कंडीशन आपके सामने है, जो कि आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। इसकी साइड्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं और इसको फ्रंट से भी आप देख सकते हैं, और अंदर से इसके बोनेट की कंडीशन भी आपको मैं दिखा देती हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। कंप्लीट इसके इंजन रूम की कंडीशन दिखाने के बाद बात की जाए अगर इस गाड़ी की डिमांड की, तो इस खूबसूरत गाड़ी की कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है, जिसमें इसका इंटीरियर एक्सटीरियर और इसका इंजन रूम वगैरह शामिल है। बात की जाए अगर इस खूबसूरत गाड़ी की डिमांड की व्यूअर्स, तो ये गाड़ी आपको 2,50,00,000 के बजट में मिल रही है, जो कि इसकी फाइनल डिमांड नहीं है। गाड़ी कंडीशन वाइज आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिल रही है, जिसमें इसका इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है और जेन्युइन अपनी कंडीशन में, और गाड़ी का जो एक्सटीरियर है वो भी आपको जेन्युइन अपनी कंडीशन में मिल रहा है। गाड़ी लेने में अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो इसकी कीमत में नेगोशिएशन हो जाएगी। गाड़ी को अगर आप फिज़िकली चेक करना चाहें तो ऑटो जेम्स फेस 4 बैरियर टाउन में आके आप गाड़ी को फिज़िकली चेक भी कर सकते हैं, और अगर गाड़ी की मज़ीद कोई डिटेल आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पर रब्ता करके आप वो डिटेल भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये खूबसूरत गाड़ी आपको पसंद आई होगी, और अगर ये गाड़ी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गाड़ी के साथ अपनी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुँची, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।